वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं उसके उपलक्ष में हमने पंजाबी महिला मंडल ने मिलके एक कंपटीशन रखा है ऑनलाइन, क्योंकि कोविड-19 है। वैसे हम ऑफलाइन भी करते, इसकी वजह से हमने इंडिपेंडेंस डे के कंपटीशन है जो वो ऑनलाइन किए हैं, जिसमें हमने 3 जजेस निर्धारित किए हैं। और उनमें जजेस को थैंक यू बोलती हूँ, जिनकी वजह से उन्होंने हम आज ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं, जिसमें कि आदरणीय अर्चना बंसल भाभी जी, आदरणीय कोमल कटारिया और आदरणीय सुषमा भाभी जी हैं। और जो विजयलक्ष्मी भाभी जी हैं वो हमारे पंजाबी महिला मंडल की अध्यक्ष है, और उनकी अध्यक्षता में हम ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं आज। तो जैसा कि सब जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो हमारा देश इस दिन आज़ाद हुआ था, और जो ये बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि देश आज़ाद हुआ था, लेकिन अब हमें एक नई सीख लेनी है इस आज़ादी से। जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो भी बुरी संगत है, बुरी आदतें हैं, उनको उन चीज़ से आज़ादी पानी है, और हमें एक हर चीज़ में एक एम पाना है। तो हमें क्या करना है, पूरी बुरी संगतें और बुरी आदतों को छोड़ना है, तो हम इंडिपेंडेंस डे और अच्छे से मना पाएंगे। ये जो हमारा छोटा सा प्रोग्राम है, जैसे कि अब देखो ओलंपिक में जितने भी सबने पार्टिसिपेट किया, मैं तो उनको बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर कोई मेडल जीत के आए। जैसे कि आपने इतना प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, मैं उन बच्चों को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ, और जो बहुएं भी हैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, हमारे प्रोग्राम को इतना अच्छा किया। और हार जीत लगी रहती है, बस एक पार्टिसिपेट करना भी बहुत बड़ी बात होती है कि हमने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, इसके लिए भी बहुत शाबाशी होती है। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हार गए, हम खड़े होंगे, हारेंगे, इस बार कोई और आएगा तो अगली बार कोई और होगा। इस बार जैसे कि जिन लोगों को गोल्ड मेडल मिला ओलंपिक में, हो सकता है कि अगली बार तुम हो उसमें। तो इसलिए हमेशा अपने एम में बस आगे से रखना चाहिए। तो इंडिपेंडेंस डे में देखो, हमें उन शहीदों को याद करके हम कितना अच्छा मनाते हैं, जिन शहीदों की वजह से आज हमारा देश आज़ाद हुआ। और उन माँ बाप को देखो जो इकलौते बेटे होते हैं और वहाँ पे अपने इकलौते बेटे को बॉर्डर पे भेजती हैं, और जो पत्नियाँ होती हैं वो अपने पतियों को बॉर्डर पे भेजती हैं, उन शहीदों को मैं सलामी देती हूँ, क्योंकि जो एक शहीद होता है तो पूरी जो भारत माता होती है उसकी आत्मा रो देती है, जब वो तिरंगे में लिपटा हुआ जवान को गले लगाती है। तो उन सब से सीख हमें लेनी चाहिए कि उन लोगों को सलामी देनी चाहिए जिन वीरों की वजह से आज हम यहाँ पे अच्छी नींद सो पा रहे हैं, इसीलिए हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और मैं दोबारा से उन जजेस को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू।